लुधियाना दे थाना मेहरबान अधीन आउंदे एकता कलोनी दे विच एक व्यक्ति दे वल्लों मासूम बच्चे दे नाल दुष्कर्म करन दा मामला सामने आया, जिस तों बाद पुलिस दे वल्लों दोषी नूं हिरासत दे विच लै लिया गया। मिली जानकारी दे अनुसार पीड़ित दे पिता ने मीडिया नाल गल्लबात करदिआं कहा कि उन्हां दी 7 साला बच्ची सामने घर तों जदों ज्योमैट्री लैण गई सी, जिस तों बाद उन्हां दी बच्ची वापस घर रोंदी होई आई अते घर आ के अपने मापिआं नूं दस्सिआ कि उस नाल सामने घर दे विच रहि रहे व्यक्ति ने गलत हरकत कीती है, जिस तों बाद उन्हां दे वल्लों पुलिस नूं सूचित कीता गया ते पुलिस ने दोषी नूं हिरासत दे विच लै लिया अते उन्हां दे वल्लों हुण इंसाफ दी मंग की जा रही है। बबली कीड़ी जगह रहिंदा रहे एकता कलोनी च की मामला है जी? 10 मिनट होए सी ज्वैलरी लैन अंकल बुआ ला के ना उन्हां दे नाल गलत काम करन दी कोशिश कीती कुड़ी दे नाल। अंकल दा नाम तो मेनू पता नहीं हैगा। ये दुकान किथे है तुहाडे घर दी? सामने बिल्कुल। हां जी 10 मिनट। अपनी गलती मन्नी हाथ जोड़े बाद जनानी आ गई गलती नहीं मन्नी कहिंदा मैं नहीं कीता हैगा वा पहला। हां जी अपनी गलती कबूले मेहरबान असि इन सजा मिले इन अपनी गलती कबूले मेरी बेटी ज्योमेट्री बॉक्स लैन गई थी। बेटी की उम्र कितनी है? 7 साल। की होया सीगा? ए ज्योमेट्री बॉक्स लैन गई 2-1 बजे मैं कहा रोटी खा के खाना है ते ज्योमेट्री बॉक्स लैन गई उस तो बाद ज्योमेट्री बुक्स लैके रोंदी आई करे। ज्योमेट्री बुक्स किथों लैणी है सी? घर दे बिल्कुल सामने दुकान है भी। की नाम है व्यक्ति दा? नाम नहीं पता। रोंदी आई है आप आई है तुसीं लब्भण दी कोशिश कीती? मैं लब्भण चला सी इन्हीं दे च पौड़ियां चढ़ गई रोंदी हुई आई है। रोंदी हुई आई है जदों तुहानूं की कहा आ के रोंदी? उहने पहले उहदी मम्मी ने धमकाया उह कहिंदे उहने चुप हो गई फिर रोण लग पई। मैं पुछी मैं की होया सीगा कहिंदी की ना उह जिहड़ा हैगा अंकल उहने मेरे नाल गलत काम कीता। हाँ इंसाफ ही चाहिए। बच्ची गई सी कोई चीज लैन गई सी दुकान नहीं मनियारी दुकान प्लास्टिक दी कोई मैटी चमूटी लैन गई होनी है कहते अंदर वाड़ के कुंडा ला लिया ते असीं कहते बाद चो मेरा प्यो थले उतरिया ना सानूं तां मल्लिआं ने दस्सिआ जी। नाम की है जी उहनां दा जिन्हां ने? नाम नहीं पता जी। सर मल्ले वाले किन्ने कट्ठे? ओ कट्ठे दी उम्र किन्नी है भाजी जिन्नी उम्र है? अच्छा ते ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਏਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਭਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਏਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਏਸੀ ਭਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਏਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਲਿਆ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਲੇਡੀ ਦੀ ਭੂਆ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕ ਪਤਾ। ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ। ਸਰ ਲੜਕਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ
ਲੜਕਾ ਵੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਰ ਲੜਕੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਮੰਦਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਮੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮੈਟਰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਕੁਛ ਹਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਐਜ ਪਰ ਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਹਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ कुछ समय पहले सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी कि एकता कॉलोनी के अंदर एक कुड़ी हैगी ओदे ते एक बंदे ने रेप अटैम्प्ट किया है जो आदमी हैगा उन्हें असी हिरासत ले लिया वेरीफाई कर रहे वेरीफाई करके जो बंदी कार्रवाई हैगी वो अमल में चलाई जाएगी एंड अकॉर्डिंगली जो है कानून अपने ये जो गल है ये वेरीफाई की जा रही है साढ़े सुनने में भी आई है असी इन्हे मोतवार बंदे बुला लिए इधर की कोई गल सामने आएगी उन्होंने भी जो है तफ्तीश के अंदर लिया जाएगा अभी भेजा जाएगा उन्हें बयान लिखाया जा रहा है अभी उस तो बाद मेडिकली भेज दिया जाएगा वो हैगा एल्डरली हैगा 60 से ऊपर है उसकी उम्र बाकी जिदा जिदा क्लियर होंगे असं थोड़ा इनफॉर्म कर देंगे बच्ची 7 साल दी हाँ जी मतलब किस बुला के किसी नु बुलाया गया होगा किसी लेके जाने की हिदायत नहीं कहीं लेके जाने वाली गल नहीं है बाकी जो भी है अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इनू असी एक बारी क्लियर हो जाए सारा कुछ असी पर्चा दे दिए उसके बाद थानू अकॉर्डिंगली एसएचओ साहब ब्रीफ कर देंगे फेंस के लिए लगाए जाएंगे पॉक्सो एक्ट लगेगा एंड नाल बाकी जो बंदी धारा है वो असी लगा देंगे आरोपी का नाम की वो तो अनु एक बारी वेरीफाई कर लें बारी FIR हो जाए आरोपी बन जाए साड़ा वो फिर तो अनु इनफॉर्म करते हैं प्राइम मुदली लुधियाना तो मनोज कुमार ही रिपोर्ट।